और घर में लाने का वक्त हो, समय किसी कारण से अगर नुकसान होता है तो तो पहुंचता है। आए हैं बस देखने लगातार आपका कार्यक्रम जारी है सर, हमें साथ के फेसबुक के माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से देखने को मिलता है कि क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, तो इसको सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? चुनाव को देखते हुए सर यहाँ का कंटिन्यू वैसे चलता ही रहता है। आप चूँकि बारून देख रहे हैं या औरंगाबाद देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हम बिहार भर में घूमते रहते हैं, जब राजनीति में है तो उनके बीच जानना मिलना जुलना ये तो दायित्व बनता ही है। अब स्वाभाविक है कि इस इलाके में अराकार क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव है इस कारण से। और अब चुनाव आने वाला है इसलिए नहीं, हम तो साल भर पहले दो साल पहले हमेशा आते जाते हैं, तो बिहार भर में जाते हैं, यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव है, चुनाव ज़्यादा आते हैं, बस यही कारण है। उसका अलग से कितनी जो सब पार्टी है यानी कि भाजपा जितना जुड़े हुए हैं तीन राज्यों सब पर चले जीत दर्ज की है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जाने वाला समय में जो रास्ता क्लियर हो चुका है तो निश्चित रूप से एक माहौल पर असर तो पड़ता ही है। वहाँ जीत हुई है और आपके स्टेट को वहाँ ऐसा था जहाँ मतलब कहीं से नहीं लगता था कि बीजेपी आएगी। कांग्रेस के बारे में मीडिया के लोग भी प्रचारित करते थे, लेकिन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आ गई। एक माहौल पर तो असर पड़ता ही है। अब इसका मैसेज तो सीधे गया ही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं।